मित्रों, मैं एक बार गिनती कर रहा था कि अगर हम यूपीएससी के अंदर जनरल स्टडीज़ में, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट ये सब पढ़ने बैठे तो करीब 8,500 से ज़्यादा पेज इसके पढ़ने पड़ते हैं। उसके ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करीब 4,500 पेजेस, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के ही अंदर सिलेबस असल में 3 साल के बीए के ऊपर और 2 साल के एमए से थोड़ा कम, मतलब 4 साल के कोर्स जितना उसमें सिलेबस होता है। तो कुल मिलाकर जीएस और ऑप्शनल की आप पढ़ाई करो, करीब 13,500 पेजेस पढ़ने पड़े, और उसकी एक बार पढ़ाई, दो बार, तीन बार रिवीजन करो तो 9 महीने तो इसी में ख़त्म हो जाए। तो अगर 2023 के अप्रैल महीने में अभी हम लोग हैं, और हम मान के चले कि अगले साल की प्रीलिम एग्ज़ाम भी मई महीने में होगी 2024 में, तो हमारे पास करीब 12 महीने का अभी समय है। उसमें भी हालांकि बीच में आप नौकरी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कुछ बीमार हो गए, तो मान के चलो 9 मंथ 9 मंथ जो हैं उसमें आपने स्ट्रगल करके सब निकालना है। यहाँ पर आपकी मदद के लिए अन अकेडमी का ये प्लस सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पर टॉप एजुकेटर के लाइव क्लासेस, नोट्स, पावर पॉइंट, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्यूएशन, ये सब को हम कहते हैं प्लस पैकेज। और उसके ऊपर भी आपको अगर वन ऑन वन मेंटोरशिप और प्रिंटेड नोट्स की एक्सेस वगैरह चाहिए तो आइकॉनिक एड ऑन होता है। ये सब की फैसिलिटी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्रीलिम पास करेंगे अगर आप, तो फिर आपको मेंस का कोचिंग फ्री, वो भी दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और फूड की फैसिलिटी के साथ। और आपने मेंस पास किया तो उसके बाद इंटरव्यू की कोचिंग फ्री, और अगर इंटरव्यू भी पास किया तो फिर आपको पूरी फीस रिफंड मिल जाए। ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर आपको इसके साथ एक ऑफर भी मिल रहा है, और ये सबके ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट भी है यूजिंग माई कूपन कोड मुनाल.org। खैर, जहाँ तक इकोनॉमी के पूरे साल के एनुअल अपडेट्स, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, उसके लिए मेरी ये Win23 सीरीज चलती है, जिसके अंदर अभी तक पहला पिलर यानी मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस खत्म, दूसरा पिलर बजट टैक्सेशन खत्म, तीसरा पिलर इंटरनेशनल ट्रेड खत्म, चौथे पिलर की लेक्चर 26 तारीख बुधवार को रात 9 बजे होगी, कि जहां पर हम लोग ये एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ये सब देखने वाले, और उसके अंदर भी सब लाइव लेक्चर, मल्टीमीडिया रिच, पावर पॉइंट, हैंडआउट सब आपको मिलेगा। मित्रों, ये जो इकोनॉमी के ऐसी ये सीरीज चल रही है अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आगे चलती है यूट्यूब पर, वो धीरे धीरे बाद में रिलीज़ किया जाता है। तो इस हिसाब से यूट्यूब पे जो अभी रिलीज़ हो रहा है, तो ये करीब छठा एपिसोड है, जहाँ पर हम लोग अभी पिलर वन के आखिरी पार्ट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह में होंगे। तो इसका भी ये वीडियो आप इधर भी इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर आगे जितना चल चुका है उसको भी आप वहाँ पर जाके कवर कर सकते हैं। इसके अलावा 2023 की प्रीलिम्स की लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम 28 मई को होने वाली है, उसमें आपकी प्रैक्टिस, अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है जीएस और सीसेट का, तो फ्री में वो आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी होगा, और ऑफलाइन देना है पेन पेपर की प्रैक्टिस के साथ, तो दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना और पुणे में होने वाला है। तारीख याद रखें 29 अप्रैल है, शनिवार है, और ये इसके समय 9:30 बजे से सुबह शुरू हो। इसका भी फ्री अनलॉक कोड है मुनाल.org, टेक बेनिफिट ऑफ इट। Anyways, coming further, that is pillar 1D, उसमें insurance, pension, financial inclusion में क्या? तो इंश्योरेंस में क्या हो रहा है? तो जवाब है, घी दूध की नदियां बह रही है। इफ यू रीड द इकोनॉमिक सर्वे, वो ऐसी चीज है कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया, वो मैंने आपको हैंडआउट में दे दिया है। 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट का उसका वीडियो बनाना नहीं है। अपॉर्चुनिटी में क्या, LIC ने IPO किया था और वो सब बहुत मान चीजें, और उसमें 2.70 बिलियन रुपीज सब मोबिलाइज हुए। चैलेंजेस जो इकोनॉमिक सर्वे ने नहीं लिखी, लेकिन हमको पता है, अदानी कंपनी में उसने, LIC ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, उसका लॉस, फिर ILFS कंपनी में इन्वेस्ट किया, उधर लॉस वगैरह। अपॉर्चुनिटी में कि कोरोना के बाद पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद बारे में काफी अवेयर हो गई है। चैलेंजेस के अंदर कि आजकल कंपनियों में ले ऑफ चल रहे हैं, उसके चलते पब्लिक की सैलरी नहीं, तो वो क्या ही कार इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेगा। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। मित्रों, अगर आपको एक पान पार्लर खोलना है तो उसके लिए आइडियल प्लेस क्या होगी? तो जवाब है, होटल के बाहर खोलो अच्छा रहेगा, सिनेमा या रेस्टोरेंट के बाहर खोलो, कॉलेज के बाहर खोलो, राइट? सो देर आर सम आइडियल प्लेसेस फॉर ओपनिंग अ पान पार्लर। सिमिलरली, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, तो व्हाट विल बी द आइडियल प्लेस? मूवी थिएटर के बाहर खड़ा रहे या किधर खड़ा रहे, शॉपिंग मॉल के बाहर? द आइडियल प्लेस विल बी कि कोई बैंक के अंदर अपने कनेक्शन बिठा ले, क्योंकि जो बैंक के अंदर आदमी आता है क्लाइंट, उसका दिमाग उस जोन में होता है कि मुझे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, फैमिली का सब ख्याल रखना, इसलिए मैं पैसा सेव कर रहा हूँ।
सो एट दैट टाइम ही इज इन दैट मेंटल जोन कि उसको अप्रोच किया जाए, ही इज मोर लाइकली टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। और वैसे भी बैंकों के पास ऐसे सब लोगों का डेटा होगा। तो बजाज आलियांज जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है और करूर व्यासा जो कि एक बैंक है, ये लोग आपस में टाइप करेंगे। वो टाइप ऐसा होगा कि बैंक का क्लाइंट आएगा तो ये करूर बैंक का जो मैनेजर है उसको डिपॉजिट खोले, लोन वो सब तो होगा ही, साथ में उसको वो सब बात करेगा, देखो ये ब्रोशर है इंश्योरेंस की, ये पॉलिसी आपका इतना टैक्स सेविंग होगा वगैरह। तो जब बैंक मैनेजर खुद ही इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन के काम करे, उस चीज को आप क्या कहेंगे? बांका इंश्योरेंस। सो बांका इंश्योरेंस इज द सेलिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यूजिंग बैंक एज एन एजेंट। उसमें इंश्योरेंस कंपनी का तो फायदा है कि उसको वो पर्टिकुलर जोन के अंदर जो क्लाइंट था वो मिल गया। बैंक का क्या फायदा है? तो इंश्योरेंस कंपनी वाला उसको कमीशन देगा जितनी पॉलिसी वो बेचता है। सो इट इज विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। हाँ, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि जो बांका इंश्योरेंस चीज है वो बहुत महान है और इसके चलते भारत में गांव गांव तक इंश्योरेंस की सब पॉलिसी की पहुंच बढ़ी है। अब ये गांव वाले किधर आ गए? तो ये आपको सब स्कीम याद होनी चाहिए, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना वगैरह। तो खैर पेंशन योजना को तो अभी हम यहाँ काउंट ना करें, जो इंश्योरेंस स्कीम थी जैसे फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह, उन सबके पॉलिसी बेचने के लिए भी यही मॉडल चल रहा है एंड इट इज हेल्पफुल। दूसरा मामला चला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। वो ऐसा है कि वर्कर का कुछ पैसा कटेगा, उसका जो कंपनी का मालिक है वो कुछ पैसा कटवाएगा, पैसा जाएगा ईएसआईसी में, उधर से वो इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट वगैरह में, और फिर वो पैसा रिटर्न होगा, उसकी मदद से ये जो वर्कर है वो बीमार हो गया तो मेडिकल ट्रीटमेंट, बेरोजगार हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फैक्ट्री का मशीन उसके हाथ पे गिरा और वो फिजिकली डिसेबल हो गया तो उसको जो भी उसके अलाउंस सब मिलते रहेंगे, डिसेबिलिटी अलाउंस, ये सब चलता था। अब ओरिजिनली ईएसआईसी पैसा किधर इन्वेस्ट करता था? तो पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट कर देता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता था, सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट करता था, लेकिन वो पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था। लेकिन 2022 से तय हुआ कि इसके पास अगर ये सब सब्सक्राइबर के 100 रुपीज की फीस या प्रीमियम आया है तो उसमें से एटलीस्ट 15% वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। इससे क्या फायदा है? देखिए ऊपर जो चीजें हैं फिक्स डिपॉजिट में, मान लीजिए उसको 6% मिला, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मान लीजिए 8% मिला, गवर्नमेंट कंपनियों के बॉन्ड में मान लीजिए 9% कुछ, लेकिन ये अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है जिससे पूरा गेम सस्टेन हो सके। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, अगर अच्छा साल है, अच्छे इन्वेस्टमेंट है, 15% भी प्रॉफिट आ जाए, सो देन इट विल बी इजियर फॉर द ईएसआईसी कि वो अपने जो भी हॉस्पिटल चलाने हैं, सब काम करना है, उसमें सुविधा रहे। ये एक बात हुई। बाकी और भी उसमें जनरल नॉलेज है, कुछ निर्माण से शक्ति ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ईएसआईसी वाला अपने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, सो इट इज ऑल गिवन इन योर हैंडआउट। कार इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो प्रीमियम के क्या स्लैब होंगे? तो IRDAI नाम की संस्था तय करती है, ऐसे हर एक देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर हो ही विल डिसाइड इट। तो पहले कैसा चलता था कि चाहे आप एक सेफ ड्राइवर हैं या रिस्की ड्राइवर है, दोनों पर इंश्योरेंस की फीस या प्रीमियम सेम लगे, 2000 रुपए। लेकिन मान लीजिए बाद में ऐसा तय हो कि नहीं, ऐसा IRDAI या जो भी रेगुलेटर है उसने प्राइस फिक्स किए हैं, वो अब से प्राइस फिक्स नहीं करेगा, यानी उस प्रोसेस को हम कहें डी टेरिफिकेशन। डी टेरिफिकेशन के बाद क्या हो सकता है? जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस चेंज करेगी। यूजुअली वो ऐसा करेगी कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चेंज करे। तो अगर आप एक सेफ ड्राइवर हैं, आपको इंश्योरेंस की फीस लगे सिर्फ 1500, अगर आप एक रिस्की ड्राइवर है आप पर शायद लगे 5000 रुपये। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चले? वो देखेगा ना आउटस्टैंडिंग आपके सामने कितनी FIR दर्ज है, कितने ट्रैफिक टिकट आउटस्टैंडिंग है वगैरह वगैरह, सो लाइक दैट दे विल वर्क आउट द थिंग्स। अब ऐसा चाइना में किया गया है और इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि चाइना में ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में ऐसा डी टेरिफिकेशन होने के बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट के प्राइस सस्ते हुए। खासकर किसके लिए सस्ते होंगे? तो जो सेफ ड्राइवर है, क्योंकि उसके लिए प्रीमियम पहले मान लीजिए 2000 रुपए, अब 1500 रुपए ही हो गए। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ज्यादा लोग वो पॉलिसी खरीदेंगे, एक्टिवली उसको रिन्यू करेंगे वगैरह। तो ये सब बहुत महान है ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। उसके बाद हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे डेटा है, डेटा देता है, इस साल भी दिया।
डेफिनेशन याद रखनी है, एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वो ऐसा भारत देश का जीडीपी कितना है और भारत देश में पब्लिक जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रही है उसमें कितनी फीस यानी कि प्रीमियम दे रही है, तो दोनों को डिवाइड करो, जो जवाब मिले उसको हम कहें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो उसका ये कुछ डेटा है, एक बार एक बात। दूसरा कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, बीमा घनत्व, वैसा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है और सामने प्रीमियम के रूप में कितना पैसा बीमा कंपनियों को फीस में मिल रहा है, उनको डिवाइड करो तो जवाब मिले उसे कहें इंश्योरेंस डेंसिटी, उसका ये डेटा है। इसमें भी फिर लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग ग्राफ बनते हैं, इसमें हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सफिशियंट टू नो कि अगर हम लंबे समय अवधि में देखें, इफ यू टॉक अबाउट 2011 टू 2021, तो कैसा जिगजैग जिगजैग लेकिन ग्रो किया होगा, करेक्ट, बट स्टेडी ग्रो नहीं होगा, स्टेडी ग्रो हो नहीं सकता कभी, सतत अविरल रूप से कि सीधी ऐसी उसकी ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्यों, बीच बीच में इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, कि सपोज 2019 मारुति कंपनी ने 4,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, तो वो तो अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराएंगे तो वापस गिर जाएगा, ऐसा ही कोरोना के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़े तो सब लोग लेंगे, फिर अभी जॉब ले ऑफ हो रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह पे, तो वापस वो जिनकी जॉब गई वो नहीं लेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे पॉलिसी तो गिर जाएगा। सो अक्रॉस अ डेकेड, अक्रॉस टू डेकेड्स यू मे फाइंड की ग्रो हुआ है, पर स्टेडी रूप से ग्रो नहीं होगा, जिग जैग ऊपर जाएगा नीचे के फिर वापस वगैरह वगैरह, सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। उसके बाद की चीज है ईपीएफओ, ईपीएफओ तो हर साल हमने देखा है विन 22 वगैरह में भी, कुल मिलाकर चीज क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की जहां पर 20 या उससे ज्यादा मजदूर हो, तो उनमें से ऐसे मजदूर जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम हो तो उसकी सैलरी का 12% कटेगा, उसका जो मालिक है वो अपने पॉकेट से 12% देगा, और ये 12 और 12 मतलब 24 टक वो उतनी सारी रकम ईपीएफओ में इन्वेस्ट होगी। फिर आया कोरोना, तो कोरोना में सरकार ने ऐसा कहा कि हम वर्कर का और कंपनी के मालिक का पैसा अपने पैसों से मतलब टैक्स पेयर के पैसों से डिपॉजिट करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री में कितने 1,000 लोग हैं, कम लोग हैं, ज्यादा हैं, इट डिपेंड्स। उस स्कीम को कहा गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, वो सब क्या था, वो विन 21 22 सीरीज वगैरह में हम देख चुके हैं। फिर ये जो सारा पैसा है वो नीचे इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट होता है, प्रोविडेंट फंड को आप सोच सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म की जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, और कुछ पैसा पेंशन फंड में इन्वेस्ट होगा, पेंशन फंड आप समझते हैं कि आप रिटायर होंगे फिर हर महीने आपको सैलरी की जगह पेंशन मिले, सो दैट इज ईपीएफओ। अब ये जो ईपीएफओ वाली चीज है वो कंपलसरी है ऐसे वर्कर्स के लिए जो महीने में 15,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं, तो उनकी सैलरी का 12% कटे, उसका मालिक है उसने 12% देना पड़े, और वो सारा पैसा ईपीएफओ में जाए, जिसमें से ये वर्कर को बाद में पेंशन और प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा व्हेन ही गेट्स ओल्ड, ये तो है ही। बट सपोज कोई ऐसा कंपनी में काम कर रहा है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये, तो उस केस में प्रश्न ये होता है कि जो 12% वर्कर का पैसा कट होना है तो वो कितना, एंटायर 50,000 सैलरी का कट होना है या सिर्फ कि अप टू 15,000 रुपये का 12% के हिसाब से 1,800 रुपये कुछ कट होने, दूसरा वो 12% जो कट होगा उसमें से कितना पेंशन में इन्वेस्ट होना है, कितना प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट होना है, उसकी क्लैरिटी पर कुछ क्वेश्चन मार्क थे। तो ये सब ऐसे लोग वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह में, 2024 में कुछ गाइडलाइंस आई, फिर कुछ प्लस माइनस हुआ, तो जो भी जजमेंट आया, जजमेंट के बाद ईपीएफओ ने कहा ठीक है जो कोर्ट ने बोला उस हिसाब से हम नियमों को चेंज करेंगे। अब जो नियमों को चेंज करेंगे वो ऐसी बात है कि उस हिसाब से ऐसे जो लोग जिनकी सैलरी जो भी 50,000 साढ़े मतलब 15,000 से ज्यादा है उनको पहले से ज्यादा पेंशन मिले, ऐसा कोई सीन बनता है। अब जो सीन बनता है तो उसके बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होंगे कि अब तुमको ये फॉर्म भर के इतना पैसा कटवाना हो तुम्हारी इतना पेंशन बने, तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू उसकी डेली कॉमेंट्री चलाते रहते हैं। आपको समझना है वो जो लिख रहे हैं वो ऑर्डिनरी रीडर आम लोगों के लिए लिख रहे हैं जिनको असल में ईपीएफओ में फायदा होता है। हम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस एग्जाम के लिए तो हमें इतने जटिल नियम समझने की जरूरत नहीं फॉर आईएएस प्रीलिम्स, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। अगर आप ईपीएफओ की खुद की तैयारी करें देन यू हैव टू अप्लाई ब्रेन, तो वो अलग चीज है, पर अपने ये जो इधर सीरीज चले विन 23 वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द आईएएस प्रीलिम्स, सो विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस मैटर। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कंपनियों को सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने पर पेंशन मिले, तो उसकी एनपीएस ओपीएस जीपीएस वो कंट्रोवर्सी क्या है। एनपीएस मतलब नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम,
वैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस कुछ, आपकी सैलरी का कुछ पैसा कट होगा, गवर्नमेंट जो आपका मालिक है वो अपने पॉकेट से कुछ पैसा देगा, और ये सारा पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट होने का मतलब क्या है कि उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाए जहां पर मान लीजिए 8% इंटरेस्ट मिलता हो, कुछ पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट जाए जहां पर मान लीजिए 12% मिलता हो, कुछ पैसा शेयर में इन्वेस्ट होता हो। अब हो सकता है वहां 15% प्रॉफिट भी हो जाए और अदानी में डाला तो -50% का लॉस भी हो जाए, राइट? सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि इधर जीसेक और बॉन्ड में तो प्रॉफिट होना है वो तो पक्का है, वट एवर 8 to 12%, पर शेयर में जो इन्वेस्ट हुआ और फिर बड़ा सा लॉस हो गया तो वो इतना भारी लॉस हो जाए कि बाकी सब भी अपना इरोड कर दे, खा जाए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डर लगता है कि ये तो सब ऐसा होगा, हमारा तो सब पैसा उड़ जाएगा, तो हमें तो कुछ पेंशन मिलेगा ही नहीं। सो दे आर डिमांडिंग कि हमें ये नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें तो वो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, वो चाहिए। वो ऐसा था कि वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कोई पैसा कट नहीं होता था, सीधा ही गवर्नमेंट बैठे बिठाए उसको डायरेक्टली पेंशन दे देती थी। वो ऐसा कि रिटायर होने से पहले आपके लास्ट महीने की लास्ट सैलरी क्या थी, मान लीजिए ये कहीं 1 लाख रुपए थी, तो गवर्नमेंट के ठीक है तो उसका 50% निकालो, यानी कि 50,000 रुपये तुमको हर महीने सरकार बैठे बिठाए पेंशन देगी, जो कि टैक्स पेयर के पैसों से आएगा। यानी कि शेयर मार्केट में कुछ अप डाउन हुआ उससे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बैठे बिठाए पैसा मिलता रहे। ये सब चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसको बंद किया और ये एनपीएस आया। एनपीएस जो आया उसमें मैंने आपको बताया कि यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ टू कंट्रीब्यूट मनी, और उसमें भी ये रिस्क है कि शेयर मार्केट में गया तो पैसा डूब जाए वगैरह, तो एम्प्लॉय सब मांग रहे हैं हमको तो ओपीएस चाहिए। वो तो इस पर यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में 2019 में ही बोल दिया है कि हम लोग पुरानी सिस्टम में नहीं जाएंगे, वी हैव नो प्लान्स ऑफ रिवर्टिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट ने पूरा पेंशन का पैसा इनको देना पड़ता है, मान लीजिए 50,000, तो अपने पास टैक्स कलेक्शन में पैसा आता नहीं, और आता है भी है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 देने हैं, फिर अलग अलग बहुत सारी और स्कीम चलती है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू रन एवरीथिंग, तो तुम अपना खुद से देख लो। हालांकि 2022 में राजस्थान और कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट वो वापस से ओपीएस में जाना चाहते हैं और उसके अनाउंसमेंट करते हैं, इसलिए ये वापस वापस चर्चा में आता रहता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एनपीएस वाली चीज होती है, तो सपोज छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट में कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो एनपीएस सिस्टम जो अभी है उसमें क्या, उसकी सैलरी का 10% कटे, स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉकेट से 10% दे, तो 10 और 10 कितना, 20% या जो भी रकम है वो जाएगी, कुछ शेयर में इन्वेस्ट होगी, कुछ बॉन्ड में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। लेकिन इसमें रिस्क मैंने आपको बताया क्या, शेयर मार्केट गिर गया तो आपका लॉस हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि भूल जाओ एनपीएस, हम तो पुरानी सिस्टम में जाते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का कोई पैसा कट नहीं होगा, उसको जितना भी पेंशन मिलना है तो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसों से सीधा उसको पेंशन दे देगी। अब आप समझिए इसमें चैलेंज क्या है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट्स को इतनी टैक्स कलेक्शन होती नहीं कि वो ये गेम को सस्टेन कर सके, 15 फाइनेंस कमीशन के बॉस एनके सिंह, उसने बोला स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट हैविंग इनफ मनी, ओपीएस सस्टेनेबल नहीं है, ये सब पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन है, ये चुनाव में उनको कुछ वोट लेने हो या उनके सपोर्ट से कुछ करना हो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। नीति आयोग ने भी कहा ये सस्टेनेबल नहीं है। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था जो बंद हो गया, उसका भी जो रिटायर्ड वाइस चेयरमैन था मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, उसने भी कहा ये सस्टेनेबल नहीं है। सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस इज नॉट सस्टेनेबल, पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अभी है कि नहीं हमको ये करना है। अब आप समझिए कि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम एनपीएस बंद कर देंगे और हम पुरानी सिस्टम में जाएंगे। लेकिन अब आप समझो खेल क्या क्या हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने सपोज 2014 टू 2023 तक, जब मान लीजिए एनपीएस था जब उसने वो ज्वाइन किया नौकरी में आया था, तो उसका मतलब इतने साल वो जो भी थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट से 10% दिया था ना एनपीएस में इन्वेस्ट, तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि प्रिय राज्य कर्मी, डियर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हमने तुम्हारे खाते में ये जो 10% डाला था
वो तुम हमको वापस कर दो, तब हम तुम्हें ओपीएस में मजे देंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब बात ऐसी, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मजा नहीं है। दूसरा, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट पीएफआरडीए के पास गई, जो कि एनपीएस का पूरा रेगुलेशन देखता है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उनको भी बोल रही है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो 10% सैलरी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो 10% दिया, मतलब 20 वो आपको मिला था, वो आप हमको रिटर्न कर दो, क्योंकि हमको ये गेम में नहीं रहना, हमको ओपीएस में जाना है। तो पीएफआरडीए ने मना कर दिया, वो ये कह रहा है ये कोई बैंक का फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आप निकाल लोगे और थोड़ी सी पेनल्टी में पैसा वापस है। नो, ये तो जब डाला था तो वो जो भी 20 साल 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से चले, वील नॉट गिव योर मनी बैक। सो लाइक दैट इट इज इजियर सेड देन डन, कि पुरानी सिस्टम में लोग जा सके। सो दैट वॉज एनपीएस, देन ओपीएस। अब एक और चला जीपीएस। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ने इधर आंध्र प्रदेश सरकार लेकर आई गारंटीड पेंशन स्कीम। वो ऐसा कहती है कि आंध्र के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको कहा गया तुम्हारी सैलरी का 10% कटेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉकेट से 10% दे रही है, और जो भी जा रहा है एनपीएस में अभी उसमें प्लस माइनस करके हम ऐसी गारंटी देते हैं कि अब रिटायर होने से पहले जो आपकी लास्ट सैलरी थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो उसका 33% जो भी 33,000 समथिंग, हम गारंटी देते हैं कि हर महीने आपको उतना पेंशन मिलेगा, चाहे शेयर बाजार गिर गया हो चढ़ गया, जो मिनिमम इतना आपको मिलेगा। एडिशनली अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी का हर महीने 14% कटवाए, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला हम भी 14% कंट्रीब्यूट करेंगे आपके खाते में, और फिर रिटायर होने से पहले जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 40%, मतलब 1 लाख आपकी सैलरी थी तो 40,000 हर महीने आपको पेंशन मिले, ऐसी हम आपको गारंटी देते हैं, दैट इज जीपीएस। तो जीपीएस चर्चा में आए। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कि ये बात तो सही है कि एनपीएस में अगर लॉस हो गया तो क्या करें, इसलिए हम भी आंध्र जैसा कुछ करते हैं जिसको कहा जाए मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, यानी मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम मार्स। हालांकि उसकी गाइडलाइन अभी तक आई नहीं, पर आएगी तो आप समझो ऐसा कुछ होगा कि मिनिमम इतना गारंटीड पेंशन मिलेगा ही मिलेगा और एनपीएस जारी रहेगा वगैरह। तो ये सब एक एक लाइन में करना है, दैट इज पेंशन इज ओवर। नाउ द लास्ट लेग ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब गरीबों को ये बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंश्योरेंस सबकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उस चीज को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन। उसमें एक चीज होती है स्मॉल सेविंग स्कीम, लघु बचत योजना। वो ऐसा कि पोस्ट ऑफिस में पैसा सेव करो, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, एक तरह से आप सोचो ये सब लॉन्ग टर्म के फिक्स डिपॉजिट है। हालांकि बैंकों में जितना ब्याज मिलता, हमारे जो बैंकों में आपको फिक्स डिपॉजिट का 6% मिलता हो, तो इधर आपको हो सकता है 7-8% मिलेगा। तो ऐसी ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा जाता किधर है, तो स्मॉल सेविंग में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सब जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, और उधर से यूनियन गवर्नमेंट को लोन में जाता है, कुछ गिने चुने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन में जाता है, कभी कभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लोन में जाता है। प्रश्न, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री वो डिसाइड करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब हर 3 महीने 3 महीने 3 महीने करते हैं। तो स्वाभाविक है न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी, तो करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले पागल हो जाएंगे, तो सब आते रहते हैं। सफिशियंट टू नो, कभी ज्यादा देते हैं फिर थोड़ा स्टेबल हो जाए, कभी कम दे ज्यादा, वो चलते रहते हैं। इसमें नया क्या है, लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट बजट ने ये कहा कि हम लोग एक और स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च करते हैं जिसका नाम होगा महिला सम्मान बचत पत्र, जिसमें महिलाएं अकाउंट खोल के मैक्सिमम 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, मैक्सिमम एक एक महिला 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है, और उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना है 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इज महिला सम्मान बचत पत्र। एक एग्जिस्टिंग स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब उसमें मैक्सिमम कितना पैसा एक अकाउंट में आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, तो पहले था 15 लाख तक, अब बोला है अप टू 30 लाख तक। हालांकि ये मुझे इतना काम का नहीं लगता, एमसीक्यू के लिए काम की चीज तो महिला सम्मान बचत पत्र मुझे लगती है। आगे मित्रों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और भी जो हिस्सा है दैट इज लोन्स, कि सब गरीबों को आराम से आसानी से लोन मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है जहां पर एजुकेशन लोन, स्मॉल बिजनेस एमएसएमई लोन, किसान लोन, उसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लोन इंटरेस्ट सब्सिडी दे वगैरह वगैरह चलता हो। अब ये सारे के सारे लोग जो लोन अप्लाई करते हैं, एजुकेशन लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, फार्मर लोन,
उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक जन समर्थ पोर्टल बनाया है, तो ये लोगों ने उधर जाके लोन के लिए अप्लाई करना है। फिर क्या होगा, फिर उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का सिस्टम उसका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, फिर उसको चेक करेगा कि आदमी कितना इनकम टैक्स जीएसटी भरता है। अगर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है एमएसएमई, तो उसका अलग से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसको कहते हैं उद्यम नंबर। फिर इन अगर एजुकेशन लोन या कुछ लेना है उसका पुराना सिविल स्कोर क्या है क्या वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट दे विल क्रॉस चेक द थिंग्स, और उसके बाद बैंक को उसका रिपोर्ट भेजा जाए, तो बैंकर आसानी से उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, डिसीजन ले सके। सो दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री जन समर्थ पोर्टल। एमसीक्यू में याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या, फास्टर लोन प्रोसेसिंग। फिर एक चीज चल रही है, हालांकि ये तो पुरानी चीज है, एजुकेशन लोन, स्टूडेंट एजुकेशन लोन। तो मान लीजिए आपने एसबीआई से लिया, तो सरकार की ऐसी स्कीम है कि इसमें स्टूडेंट ने कुछ भी कोलेटरल यानी कि गिरवे नहीं रखना है, एसबीआई वाला उसको ऐसे ही लोन का पैसा दे देगा। पहले वो लिमिट थी 7.5 लाख रुपए, अभी बढ़ा के बोला कि 10 लाख रुपए तक का लोन आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं तो कोलेटरल गिरवे कुछ नहीं रखा, ये लड़की लोन वापस नहीं करेगी, डिफॉल्ट कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ, तो क्या? तो जवाब है उस केस में यस, बैंक का लॉस हो जाएगा। लॉस की भरपाई कौन करेगा? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नीचे एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। हाँ, तो वो बैंक के लॉस की भरपाई करेंगे। और ये पूरी जो स्कीम है उसका नाम क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशनल लोन। ये चर्चा में इसलिए रहा कि इसकी लिमिट बढ़ाई, पहले 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता, अभी अप टू 10 लाख रुपीज लोन में भी गिवन विदाउट कोलेटरल्स, बिना कुछ गिरवी रखे। बस तक खेल खत्म, बैंक एनबीएफसी खत्म, बैड लोन खत्म, शेयर मार्केट खत्म, पेंशन इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म। यानी कि अपना जो पिलर वन था मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, उसमें जो अपडेट्स देने थे वो हमने देख लिए। आप कहें नहीं, ये तो अभी और चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आज के न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि आईआरडीआई संस्था ने इंश्योरेंस कंपनियों को बोला कि जितने एचआईवी एड्स के मरीज हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए भी अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रोडक्ट आपको देने होंगे और वो चालू करो। तो ये तो आज के आ जाए। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो अगर उसमें कुछ बड़ा लाउड चीज होती है, कोई जोरदार पॉलिसी का नाम आता है, तो आगे हम देख लेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट लूज स्लीप। क्योंकि वरना तो पूरा दिन अगर आप समझो करंट अफेयर्स ही आप करते रहे, तो आप बाकी विषय कब करेंगे? मैन ओनली 88 डेज आर लेफ्ट। आप समझिए 100 MCQ आएंगे, उसके अंदर से लास्ट 1 ईयर का कितना 15-17 MCQ के आसपास होता है, उसके अंदर भी ये कितना ही पढ़ के आप जाओ 4-5 MCQ ठीक हो पाए। क्योंकि वो बाकी जब पूछे वो ऐसी चीज जो कभी अपने रूटीन प्रिपरेशन सोर्स में आती नहीं, ना न्यूज़पेपर, वो रैंडम कोई वेबसाइट से आपको अबाउट अस उठा के पूछ लिया एनवायरमेंट का, तो देर इज नो एंड टू इट। तो सब फैला फैला कर, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज करंट अफेयर्स। थियरी भी पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो एंड डू इट। तो यानी अपना पिलर वन इज ओवर, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम जाएंगे पिलर टू बजट के अंदर, वो खत्म होगा, फिर पिलर थ्री इंटरनेशनल ट्रेड, फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हालांकि खुशी की बात यह है कि कुछ खास इतने बड़े अपडेट्स पूरे साल रहे नहीं जो हमने ऑलरेडी पढ़ नहीं लिए। वैसी चीजें घर मैंने जो भी स्कीम लॉन्च की तो ऑलरेडी पहले भी लॉन्च की थी, अब वापस बोला हाँ फिर से लॉन्च करें। एंड इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं भी पढ़ो या पढ़ लो एक ही बात है, उसके अंदर उसके कुल मिलाकर बात क्या है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ एक ही बात है क्या चल रहा है, तो जावे घी दूध की नदियां बह रही है। तो एमसीक्यू में जो भी पूछे व्हाटएवर ऑप्शन इज सेइंग घी दूध की नदियां बह रही है, वो आपको टिक करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा।